इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम जिले में आज पंचायत चुनाव अमल में आया। पंचायत चुनाव में कई जगहों पर बिना मुकाबले के उम्मीदवार चुने गए तो कई जगहों पर कड़ा मुकाबला भी देखा गया। बेलगाम जिले के तकरीबन 260 ग्राम पंचायतों के 3,800 नशीतों के लिए 11,250 उम्मीदवार मैदान में थे। आज कुछ जगहों पर खरीदो फरोख्त का बाजार भी देखा गया। किसी तरह उम्मीदवारों को अपनी तरफ माइल करने के लिए पैसों की चहल पहल भी देखी जा रही थी। कुछ जगहों पर भीड़ दिखाई दे रही थी तो कुछ जगहों पर वोटिंग बूथ खाली भी नजर आए। DCMG हिरमट ने जायजा लिया और वोटिंग बूथ पर इत्मीनान बख्श हालात का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार MLA MP इंतखाबात से भी कसीर तादाद में लोग वोटिंग करेंगे, लिहाजा देर तक वोटिंग की इत्तला हासिल हुई है। कुछ अजीब वाकयात भी सुनने में देखने में मिले। बुजुर्गों ने भी बड़ी तादाद में वोटिंग किया। गोकाक मोडलगी में 107 साल की बुजुर्ग खातून ने वोटिंग की। EVM मशीन की पूजा करने की भी बात सामने आई पर पुलिस ने वोटिंग मशीन की पूजा करने से मना किया, जिस पर खातून बेहद नाराज नजर आई। वाजह रहे कि खातून खुद उम्मीदवार थी, शायद पूजा करने से जीत हासिल हो सकती है ऐसा सोचा होगा, ऐसा आवाम में भी गुफ्तगु करते हुए देखा गया। यल्लूर देसूर ग्राम पंचायत में वोटिंग पर्चा ही चुनाव से पहले बाहर आने की खबर हासिल हुई है, जिस पर जिला पंचायत मेंबर रमेश गोरल ने एतराज जताया और इसकी संजीदगी से तहकीक की मांग की। इनका कहना है कि इंतखाबात से पहले ही वोटिंग लिस्ट बाहर कैसे आई, यानी फर्जी वोटिंग के शक का इजहार उन्होंने किया, जिस पर तहकीक जारी होने की तरह सहाफियों को दी गई। वोटर लिस्ट के आवाम तक पहुंचने की बात अभी जारी ही थी कि एक और वारदात सामने आई। चुनाव के लिए मंतखब अफसर के पास लोडेड रिवॉल्वर पाए जाने से हैरानी का इजहार किया गया, जिस पर पुलिस तहकीक जारी है। चुनाव की जगह पर हथियार का लाना भी जुर्म है, जिस पर तफ्तीश की जा रही है। बहरहाल आज ग्राम पंचायत इंतखाबात मुकम्मल हुए, नतीजे 30 दिसंबर को जाहिर होंगे। बड़ी कसीर तादाद में लोगों ने आज वोटिंग को अंजाम दिया। बेलगाम कॉरपोरेशन इंतखाबात की सरगर्मियां जारी है। अब इंतखाबात में हैदराबाद की MIM की एंट्री होने की इत्तला हासिल हुई। हैदराबाद से कॉरपोरेटर के एक वक्त की आमद बेलगाम में होगी और बतारीख 23 दिसंबर को होटल नियाज बैंकेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। हैदराबाद म्यूनिसिपल के नव मुंतखब कॉरपोरेटर जनाब सैयद मुबीन और मोहम्मद सलीम बेलगाम तशरीफ ला रहे हैं। हासिल इत्तला के मुताबिक तकरीबन 20 जगहों पर MIM अपने उम्मीदवार खड़े करने की बात कही जा रही है। अब तक मजलिस की जानिब से कोई ऑफिशियल ऐलान तो नहीं किया गया, पर बेलगाम में इस बार MIM मैदान में उतरना यकीनी होगा। अब ये और बात होगी कि कौन चेहरे होंगे या पहले वाले कॉरपोरेटरों को इससे एतराज होगा या नहीं। मुस्लिम कॉरपोरेटरों की तादाद घटेगी या बढ़ेगी, SC ST उम्मीदवारों को MIM कॉरपोरेशन चुनाव में मौका देने की बात कही जा रही है। बेलगाम में तकरीबन 58 वार्ड है। पिछली मरतबा 6 मुस्लिम कॉरपोरेटर्स ने कामयाबी दर्ज की थी, लिहाजा कांग्रेस भाजपा और MIM त्रिकोणी मुकाबला होने के इम्कान है। क्या MIM से कांग्रेस को नुकसान होगा या MIM अपने बलबूते पर जीत दर्ज करेगी, भाजपा MES की कैफियत क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। हुकूमत के 1 जनवरी से स्कूलों को शुरू करने के फैसले पर एक बार एतराजात दर्ज होना शुरू हुआ है। बेलगाम के कई निजी स्कूलों ने फीस अदा करने पर वालिदैन पर दबाव डालना शुरू किया हुआ है, जबकि पिछले 10 महीने से कोरोना के मद्देनजर स्कूलों को बंद रखा गया था। जाहिर बच्चों ने तो ना तो क्लासेस अटेंड किए हैं और ना ही गरीब तलबाओं ने ऑनलाइन क्लासेस में शरीक रहे। इंटरनेट मोबाइल जैसे सहूलतें ना होने से गरीब और देहात के तलबा से महरूम रहे, लिहाजा निजी तालीमी इदारों के दबाव में आकर स्कूलों को जारी रखने का फैसला लिया है, ऐसा कांग्रेस का एक सिद्धरामैया ने हुकूमत की इस फैसले की सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हुए कहा है कि निजी स्कूलों को फीस की जल्दबाजी है, जबकि सभी जानते हैं कि लॉकडाउन बंद के चलते वालिदैन को फीस अदा करना कितना मुश्किल है। बेलगाम के कुछ निजी स्कूलों ने तो फीस अदा ना करने पर कानूनी कार्रवाई करने तक की धमकी दे डाली है, लिहाजा हुकूमत की खामोशी निजी तालीमी इदारों के साथ मिली भगत की दलील है। फिर से कोरोना के बात कही जा रही है। ब्रिटेन से एक आई खातून बेलगाम में पॉजिटिव पाए जाने की बुनियाद पर क्वारंटाइन भी किए जाने की बात की जा रही है। हुकूमत को बच्चों की सेहत पर संजीदगी से सोचने की बजाय सिर्फ 3 महीने में मुकम्मल फीस को ऐंठने के लिए स्कूलों को शुरू करने का फैसला लिया गया।
लिहाजा बच्चों को अगली क्लास में पास करना और फीस ना लेने के साथ सीधा अगले साल ही स्कूलों को शुरू करने की मांग की जा रही है। रियासत के स्कूल शुरू करने का फैसला और निजी तालीमी इदारों का महज फीस पर वालिदैन को हिरासा करना, इस पर एतराजात दर्ज करना शुरू हुआ है। आईएमए में करोड़ों रुपए फ्रॉड स्कीम में अपनी रकम गंवाने वाले सरमायेदारों की तरफ से रकम वापसी के लिए हुकूमत की तरफ से क्लेम फॉर्म दाखिल करने की सहूलत मुहैया करवाई गई है। इसका रियासत भर में इस्तेमाल किया गया और एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 50,000 से भी ज्यादा सरमायेकारों ने अपनी सरमाए को वापस लेने के लिए ऑनलाइन क्लेम फॉर्म दाखिल किए हैं। इन सरमायेकारों के मुफादात के तहफ्फुज के लिए कानूनी जंग करने वाली तंजीम के जिम्मेदार नरेंद्र ने बताया कि अब तक हुकूमत की तरफ से 55,000 से भी ज्यादा क्लेम फॉर्म जमा होने की बात कही गई है। अभी भी 25 दिसंबर तक सरमायेदार क्लेम फॉर्म दर्ज कर सकते हैं क्योंकि कुल तादाद सरमायेदारों की 80,000 के करीब है, अभी भी मुद्दत है, और दिगर लोग भी क्लेम फॉर्म दाखिल करने का ऐलान नरेंद्र ने किया हुआ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।